नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और इस वीडियो की हम शुरुआत आज कर रहे हैं बहुत ही सुंदर से वर्बिना के फूल के साथ। इसका कलर पैटर्न आप देखिए कितना ही सुंदर है। और आज है 1 जनवरी 2022, आज है नया साल। सबसे पहले तो हमारी जो YouTube फैमिली है उसको बहुत बहुत बधाई, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग ऐसे ही अच्छे से गार्डनिंग करते रहें और बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और आज का वीडियो है नए वर्ष के, जो हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है उसमें शॉपिंग का। और शॉपिंग हमने की है, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट हमने बाई किए हैं और बहुत ही सस्ते में बाई किए हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी आगे मिलेगी, कौन कौन से प्लांट हैं और कितने कितने उनके दाम हैं और इतने सस्ते हमने बाई किए हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और ये देखिए, मैं आपको वर्बिना का ये कलर दिखा रहा था और ये दूसरा कलर इससे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बड़ा खूबसूरत है। आज हमने नए वर्ष की शॉपिंग की है और अपने गार्डन में कुछ नए पौधों को ऐड करने का मन बनाया है। तो ये सारी शॉपिंग हमारी हुई है और सारे ही प्लांट जो हैं वो बहुत अच्छे और हेल्दी हमें मिले हैं। मैं इनके प्राइस आपको बताऊंगा और प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल में मुझे मिल गई हैं। ये देखिए, ये कैलन कोई है, कैलेंचो भी बोलते हैं इसको, ये हाइब्रिड वाली वैरायटी है। ये देखिए, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा वर्बिना की ही। ये चार मुझे बाई किए हैं मैंने प्लांट चार, और चारों का जो शेड है वो अलग अलग है। ये देखिए, ये कुछ मेहरून कलर में है और ये कुछ लाइट मेहरून में है। इसमें भी अलग वैरायटी है और ये कुछ अलग वैरायटी का है। तो वर्बिना जो प्लांट होता है वो वैसे तो 12 महीने फूल देता है और 12 महीने अपने गार्डन में हम इसको रख सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा फ्लावरिंग इस पर होती है। तो इसलिए मैं इसको बाई करके लेके आया हूँ और मात्र केवल 25 रुपीज़ इसका प्राइस है जो मुझे इसमें ये मिल गया है। तो आइए दूसरा हम लेते हैं पौधा, और ये है, ये देखिए, ये डॉग फ्लावर है और कुछ तो इन पर खिल भी गए हैं और कुछ अभी खिलने बाकी हैं। अलग अलग कलर में लेके आया हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है जब हम खिले हुए कलर लाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा इसका कलर है, क्या है। हालांकि कुछ पत्तियों का भी डिफरेंसेस होता है जिससे कलर का अंदाज़ा हो जाता है। ये जो सेल करते हैं नर्सरी में उनको आइडिया रहता है। तो ये चार पौधे मैं लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये डॉग फ्लावर है और डॉग फ्लावर इसको इसलिए बोलते हैं, इसका जो फ्लावर का जो पैटर्न है वो कुछ कुछ ऐसा है जैसे डॉग का होता है, और ये आप देख भी सकते हैं। तो ये डॉग फ्लावर हो गया, वर्बिना की हमने बात कर ली। और डॉग फ्लावर के मैं प्राइस बता दूँ, मात्र 25 रुपीज़ में मुझे मिल गए हैं। चार प्लांट 100 रुपीज़ के मिले हैं और ये देखिए, हेल्दी प्लांट है काफ़ी। तो इसके बाद हम बात करेंगे केल की। ये देखिए, केल के चार पौधे हैं और चारों ही पौधे बहुत ही हस्ट पुष्ट हैं। अभी तक आपने जो केल देखी होगी वो दूसरे स्टाइल वाली देखी होगी, ये पहली बार मैंने भी पहली बार ही देखी है। ये केल है चौड़े पत्ते वाली, एक केल आती है जिसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इसके जो पत्ते हैं वो ऐसे होंगे जैसे अपने जो गोभी होती है उसके पत्ते होते हैं। ये भी लगभग मार्च अप्रैल तक ही हमारे गार्डन में रहेगी और ऐसे ही ये खूबसूरत बनी रहेगी। ये थोड़े से कॉस्टली मुझे मिले हैं, 30 रुपीज़ ईच का ये प्लांट मुझे मिला है, और प्लांट हेल्दी हैं इस वजह से इनके थोड़े दाम भी ज़्यादा है।
अब मैं आपको दो प्लांट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बिगोनिया के प्लांट हैं दोनों, और बिगोनिया जो होता है वो भी हमारा परमानेंट प्लांट होता है, और इसको हम साल भर अपने गार्डन में ऐड करके रख सकते हैं। इसके कुछ इस तरह से फ्लावर होते हैं, फ्लावर के साथ साथ इसके जो लीव्स होते हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। तो इसके ये लीव्स हो गए और फ्लावर हो गए, दोनों ही काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इस तरह से देखिए, ये देखिए इसका ये फ्लावर है, और इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं। एक तो कलर अभी पता लग गया मुझे, ये पिंक है, दूसरा अभी पता नहीं लगा है क्योंकि इस पर फ्लावर नहीं आए हैं। और इसका जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ है, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है तो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो ये देखिए, ये हो गया मेरा बिगोनिया। अब मैं बात करूँगा आपसे, ये एक और प्लांट मैंने बाय किया है, ये प्लांट ये देखिए, ये मैंने बाय किया है प्लांट, और इसका जो नाम है वो है एंथूरियम। ये अपने स्टाइल के लिए बहुत फेमस है। इसका जो आप देखिए लीफ का पेटल है, जो फ्लावर है इसका, कितना ही खूबसूरत होता है। और इसका जो ये देखिए, इसके जो फ्लावर है उसमें अलग ही चमक रहती है, और ये भी फ्लावर खिला रहता है लगभग लंबे टाइम तक। और ये जो पौधा है ये हम पूरे साल भर अपने गार्डन में रख सकते हैं, ये देखिए। और थोड़ा सा मैच्योर प्लांट है, कीमत इसकी थोड़ी ज़्यादा है इसी वजह से। और ये दूसरा क्या है कि ये कॉस्टली ही रहते हैं जितने भी परमानेंट प्लांट हम लेकर आते हैं। और ये दूसरी एक चीज़ ख़ास बात और है कि आप इसको शेड में रखेंगे तो भी इस पर फ्लावर आएंगे, मतलब ये शेड लविंग प्लांट है और फ्लावर वहाँ पर भी प्रोड्यूस करता है। अब मैं अगर प्राइस की बात करूँगा इसकी, तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि परमानेंट है, और दूसरा ये एक अलग ही वैरायटी है। तो इसके जो प्राइस हैं वो 220 रुपीज़ हैं, और 220 रुपये में ये मुझे मिला है। बार्गेनिंग भी मैंने की है, लेकिन बार्गेनिंग करने के बावजूद भी ये प्राइस इसके कम नहीं हुए हैं। अब मैं कैलनकोई की बात करूँगा। अभी ये देखिए, ये जो वैरायटी है ये है हाइब्रिड वाली। इसमें दो तरह की वैरायटी और आती हैं, जो एक नॉर्मल वाली होती है देसी वैरायटी, उसका प्लांट थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। तो ये दो प्लांट मैंने बाय किए हैं। इसके जो फ्लावर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक खिलते हैं, और ये 12 महीने लगभग फूल देता है। बस इसकी केयर थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है इसको। तो अगर आप इसको केयर करेंगे तो ये एक तो शेड में भी आप इसको रखेंगे तो भी इसके फ्लावर आते रहेंगे, दूसरा इसके जो लीव्स हैं इसको आप लीव्स से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। यानी कि सबसे अच्छा ये है कि अगर आप एक पौधा ले आए तो एक पौधे से ही आप खूब सारे पौधे अपने बना सकते हैं। ये एक सैकुलेंट्स में भी आता है, फ्लावरिंग प्लांट भी है। तो ये कैलनकोई हाइब्रिड वैरायटी, और इसका जो प्राइस है वो बहुत महंगा मुझे लगा। मैंने इसमें बार्गेनिंग भी की है काफ़ी, 260 रुपीज़ मुझे इसका प्राइस बताया था, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद 200 रुपीज़ में एक प्लांट मुझे ये मिल गया है। तो कई बारी बार्गेनिंग करने से थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो ये देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत होता है कैलनकोई का, कैलेंचो का प्लांट, इसलिए ये कॉस्टली भी होता है। अब लास्ट में मैं आपसे बात करूँगा, ये देखिए ये चार पौधे हैं, और इनके जो प्लांट जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये भी 12 महीने रहते हैं। मेरे पास लास्ट ईयर भी थे ये, क्योंकि हमने इनकी ज़्यादा केयर नहीं की थी तो इस वजह से ये डेड हो गए थे। वैसे ये काफ़ी टाइम तक आपके चल जाते हैं अगर आप अच्छे से इनकी केयर करते हो। तो नर्सरी वाले भाई ने तो इसका नाम कुछ इम्पेशन करके बताया था, लेकिन मैंने गूगल किया तो इसका नाम काफ़ी अटपटा सा है और मैं भूल भी गया हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका क्या नाम है। बाकी इसमें फ्लावर जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह के इसके फ्लावर हैं। तो इसके भी मैं चार पौधे लेकर आया हूँ, तो लगभग मिला के ये लगभग 20 पौधे के आसपास हैं, 20-22 पौधे हैं। तो जो मैंने शॉपिंग की है नए साल पर अपने गार्डन में कुछ अलग से पौधे ऐड करने के लिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो और ये प्लांट कैसे लगे हैं, और
मैं एक बार फिर से अपनी जो YouTube फैमिली है उसको दोबारा से नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसा ही हमेशा बने रहें, स्वस्थ रहें और खूब तरक्की करें। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।